पेट्रोल पंप है ना वहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटो कॉस्मो एक्सप्लोर। सो टुडे इज 26th of February, संडे है आज, और आज हम लोग सुबह जा रहे हैं बिलासपुर के लिए। और मेरे सामने है आदित्य, और बस्तर के बाद, लास्ट ईयर हमारे बस्तर राइड के बाद, हम लोग पूरे ऑलमोस्ट एक साल बाद साथ में राइड कर रहे हैं, और इस बार हम दोनों हैं अपने अपने स्कूटर पर। तो हम लोग आज जा रहे हैं बिलासपुर के लिए। तो इस राइड का सीन कुछ ऐसा है कि सामने जो TVS जेस्ट, जेस्ट ही है ना, हाँ TVS जेस्ट, ये है हमारे बैंडिट राइडर की। तो हमारे बैंडिट राइडर गेवरा प्रोजेक्ट से शिफ्ट हो गए हैं बिलासपुर के लिए, और हम लोगों को ये स्कूटी वहाँ ड्रॉप करनी है, और रिटर्न में हम लोग एक बाइक अपने साथ लाने वाले हैं। तो वो बाइक कौन सी रहेगी वो बताते हैं आगे। और ये हमारा दीपका, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हम लोग 6:30 बजे निकलने का प्लानिंग किए थे, लेट हो ही जाता है हर बार की तरह, क्योंकि हम लोगों को एक बाइक रिटर्न में अपने साथ ले करके आनी है, और वो बाइक काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है। तो हम लोगों को उस बाइक पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा वहाँ पर, तो उसके लिए सारे टूल्स भी हम लोग को लेने थे। तो वो सारे टूल्स मैंने अपने इस DO में डाल के रखा है। सो ये रास्ता लेकर के जाता है डुमर खचार के लिए। डुमर खचार से पाली होते हुए हम लोगों को जाना है बिलासपुर की तरफ, और ये शुरू हो गया ट्रैफिक, कोयले से लोडेड ट्रक्स, डस्ट के साथ पूरे रोड। डुमर खचार से पूरा बिलासपुर तक हाईवे कंस्ट्रक्शन चालू है, काफ़ी काम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो पहले जो बिलासपुर जाने का एक्सपीरियंस था, काफ़ी चेंज हो चुका है अब वो। यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग 6:30 बजे निकलने की प्लानिंग इसलिए किए थे ताकि अच्छा एक सनराइज़ मिल जाता देखने के लिए, बट एज यूजुअल लेट हो गया। तो बहुत ही गंदा गिरा है, हाई स्पीड पे लगता है टर्न लेने के चक्कर में गाड़ी गिरी है। वो पीछे का टर्न वैसे भी काफ़ी डेंजरस है। और ये काफ़ी सुंदर पार्ट है इस जर्नी का, रोड के दोनों साइड ऐसे जंगल है, और अभी क्योंकि गर्मी आ रही है तो ये पत्ते पूरे ब्राउन हो गए हैं। यहाँ गैंग वॉर चालू है, डॉगी गैंग का गैंग वॉर। ये पूरा आज अपने टेरिटरी से भगा के रहेंगे इंट्रूडर को। भाग 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 बेटा भाग, लाइफ बचा के भागो। बेचारा, मतलब ऑलमोस्ट हमारे सारे वीडियो में एक डॉगी गैंग कुछ ना कुछ करते ही रहता है। ये TVS XL मस्त है गाड़ी। और ये हम लोग आ गए हैं डुमर कचार, यहाँ से लेफ्ट लेना है अपने को पाली के लिए। आदित्य से पूछता हूँ नाश्ते के लिए रुकना है क्या, बस स्टॉप चलना है क्या, नाश्ता चलेंगे? ठीक है, यहाँ थोड़ा रोड खराब है, डस्ट भी है। ओह कैसे चढ़ेगा ऊपर, TVS XL वाला तो पीछे ही आ गया, आपने पूरा ड्रिफ्ट मार दे रहा है। ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करेगा, बिल्कुल करेगा। ये गाड़ी सीरियसली मुझे बहुत पसंद है, कंफर्टेबल है, इकोनॉमी में बैठती भी है, भागती अच्छी है।
अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। क्या हुआ? पाली बस स्टॉप, राज होटल, राज होटल, अपना हर बार वाला, चांदनी वाटरफॉल वाला। ऑलमोस्ट कुछ महीनों पहले ये पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसा मैं पहले बोल रहा था कि हमारे गेवरा से बिलासपुर जाने का पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो गया है, तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था मैं कि पहले एक सिंगल लेन रोड था, ये ओरिजिनल वही रूट है जिससे पहले मैं बिलासपुर जाते थे। अगर उस हाईवे को अगर हम लोग फॉलो करते रहते तो ये पार्ट और पूरा पाली बाहर से ही पूरा स्किप हो जाता है। पूरा रोड के लेफ्ट साइड पे है ये बड़ा तालाब और जिसके बाजू में है ये पाली का फेमस शिव टेंपल। तो अभी महाशिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पूरा माहौल था। तो अभी भी मतलब आसपास आप अगर इस मंदिर के अगर आप देखोगे रास्ते के दोनों साइड तो आपको पूरे ये टेंट और उसमें अलग अलग तरीके के चीज़ें बिकते हुए दिख जाएंगी। यहाँ पे बर्तन, तो ये आ गया बस स्टॉप, यहाँ हम लोग रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। कहाँ है अपना होटल, कहाँ है अपना होटल, ये रहा, बना है समोसा बना हुआ है, ये समोसा तो दिख रहा है। ये है पाली का बस स्टॉप। उसी रोड को अगर सीधा पकड़ लेते हैं ना हाईवे को, पूरा ये स्किप हो जाता। अंदर बैठेंगे, चलो। हर बार का सीट है अपना ये। कल बोलते हैं तो मुझे को भी कुछ काम है क्या वहाँ पे? हाँ, अगर कोई काम नहीं है ऐसा। तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे, चले। तो ये था पाली का बस स्टॉप, हम लोग निकल रहे हैं आगे। और आदित्य ने ये भैया को लिफ्ट दिया है, पता नहीं भैया कहाँ तक जाएंगे अपने साथ। और ये पाली के आउटस्कर्ट्स में रोड की कंडीशन की वाट लगी पड़ी है एकदम, और स्कूटर पे तो छोटे छोटे गड्ढे भी अच्छे से पता चलते हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट था, आज भी है वैसे भी, पूरे बिलासपुर और गेवरा प्रोजेक्ट के जर्नी के बीच का। और आगे से हम लोग उस हाईवे को वापस जॉइन कर लेंगे और यहाँ से पूरा पहाड़ों का व्यू दिख रहा है। और हम लोग थोड़ा मेन रोड से हट के जा रहे हैं। अरे ये क्या है, पूरा पूरा ड्रिफ्ट मार दे रहा है ये तो। चलो चलो, ये स्पॉट बहुत टाइम बाद देखने मिलेगा। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है जहाँ पे कभी ना कभी जाया जाएगा। सो हमारा डेस्टिनेशन बिलासपुर है अभी 22 किलोमीटर्स। एंड यहाँ से हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया है बिकॉज हम लोगों को जाना है मोपका, और ये शॉर्टेस्ट मतलब इजी रूट है। तो ये जो रोड है ये मेन हाईवे को कनेक्ट करता है मोपका साइड से, जहाँ पे हम लोगों का एक टाइम पे शॉप हुआ करता था। तो इस राइड का
इस जर्नी का मेन पर्पस जो है हमारा, जिस बाइक को अपने को लेकर के जाना है वापस अपने केवरा प्रोजेक्ट के लिए, वो है यामाहा की RX 100, जो हम लोगों ने यहाँ पे कस्टमाइज की थी। मतलब जब हम लोगों ने अपना शॉप चालू किया था बिलासपुर में, तो वो फर्स्ट बाइक थी जो हम लोगों ने कस्टमाइज की थी। और बाइक कंप्लीट होने के बाद उसके जितने भी वीडियोस और फोटोज़ थे वो हम लोगों ने इसी रोड पे शूट किए थे। तो ये रोड बहुत ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड प्लेस था जब हम लोगों का शॉप हुआ करता था बिलासपुर में। एक टाइम पे यहाँ के रोड बहुत अच्छे थे, मतलब अभी तो काफ़ी ऊपर नीचे रफ हो गया है, बट एक टाइम पे बहुत ही स्मूथ रोड था ये। तो यूट्यूब पे जो फर्स्ट वीडियो जो डला है हम लोगों के चैनल पे, जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था शायद 2017 सितंबर में, वो हम लोगों ने इसी रोड पे शूट किया था। तो ये बाइक सुमेर के सोसाइटी में रखी हुई है 3-4 साल से, और कुछ मंथ से बंद पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को जा कर के उसे स्टार्ट करना है, देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट होती है कि नहीं, और स्टार्ट होने के बाद उसे राइड करके ले जाना है अपने होम टाउन केवरा प्रोजेक्ट के लिए। सुमेर के सोसाइटी जाने से पहले हम लोग प्रसन्नजीत की ये स्कूटी TVS Zest उसके घर पर ड्रॉप कर देंगे। तो ये है अपना मोब का चौक। आज से 3 साल पहले हम लोग यहाँ हुआ करते थे मतलब, और इसी रोड पर हमारा शॉप भी हुआ करता था। ये जो बिल्डिंग है जस्ट राइट साइड वाला, यहाँ पे हम लोगों की शॉप हुआ करती थी एक टाइम पर। 2019 दिसंबर में हम लोगों ने इसे वाइंड अप कर दिया था कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से। सुमेर की सोसाइटी जस्ट लेफ्ट साइड पे है ये बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोगों को जाना है उस बाइक के लिए। बट उससे पहले स्कूटर की डिलीवरी कर देते हैं। तो ये है अपनी वो बाइक जिसको लेकर के जाना है अपने को। बे भाई पेट्रोल है, पेट्रोल तो पूरा सूख गया है, कैप का रबर भी नहीं है, क्लच काम कर रहा है, ब्रेक ठीक है, एक्सेलरेटर ठीक है, चेन टाइट है ना? हाँ टाइट है। अरे चेन स्प्रे लाना था, भूल गया मैं, बोला ना कुछ तो भूलेंगे ही। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा अपने को यहाँ पे? पहले जाता हूँ ऊपर। ब्राउन धूल लेकिन कितने दिन बाद दिख रहा है ना अपने को। ये मोटो को असली नंबर पे कैसा लग जाएगा ना इतने में तो जल्दी पहुंचो जल्दी, राज चाचा भी घूम रहा है, गाड़ी चोरी करने हैं ये लोग। चमक रहा है ना, करूंगा तेरा रिकॉर्ड। तो ये अपने सुमेर, अरे बात कर वो पहले वो मत, मैं मेरे को पसंद नहीं, मैं नहीं आता। बाय बाय भैया, बहुत ही बोलने में बोला बिल्कुल। ये है वो बाइक यामाहा RX 100 की कैफे रेसर जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनाई थी, और इसको ले जा रहे हैं हम लोग अपने घर।
सो फाइनली हम लोग मेन हाईवे पे आ चुके हैं एंड इसको बहुत ही आराम से भी लेके जा रहा है, ज़्यादा रेव नहीं कर रहा हूँ मैं बिकॉज बहुत टाइम बाद ये स्टार्ट हुई है और काफ़ी लाउड भी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मतलब। बाकी बहुत टाइम बाद मतलब मैं कोई कस्टम बिल्ड मतलब इतना दूर लेके जाने वाला हूँ। बीच में कहीं पे हम लोग ब्रेक लेंगे बिकॉज थोड़ा सा इसका पोजीशन इतना कंफर्टेबल नहीं है, सीटिंग पोस्चर, बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। रियर शॉक अब्जॉर्बर्स थोड़े से जाम है तो पीछे का सस्पेंशन भी थोड़ा हार्ड हो गया है, इसलिए ब्रेक ले लेके ही हम लोग चलेंगे आगे।